चलिए खबरों में बात करेंगे जशपुर की, जहां पर उधम सिंह नगर जिला अधिकारी युगल किशोर पंत के निर्देश पर जनपद में अवैध रूप से चल रही क्लिनिक, स्टोर और अस्पतालों में प्रशासन सख्त एक्शन में है। इसी के तहत जशपुर क्षेत्र में उप जिला अधिकारी, तहसीलदार और CHP अधीक्षक के निर्देश में अवैध रूप से चल रही क्लिनिक और अस्पतालों पर छापेमारी की गई है, जिसमें झोला छाप डॉक्टरों और बिना पंजीकृत क्लिनिक संचालकों में हड़कंप मच गया है। वहीं एक हॉस्पिटल में छापेमारी के दौरान निजी चिकित्सालय में भर्ती मरीज को सरकारी हॉस्पिटल जशपुर में शिफ्ट कराकर उस पर भी कार्रवाई की गई है। छापेमारी पर SDM सीमा विश्वकर्मा ने कहा कि 3 हॉस्पिटल की जांच की गई है, जहां पर कई प्रकार की अनियमितताएं भी पाई गई है, जिसके बाद हॉस्पिटल को सील कर दिया है। जशपुर से प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हमारे द्वारा 3 हॉस्पिटल की जांच की थी, जिसमें कि सेवा हॉस्पिटल, ग्रीन सिटी हॉस्पिटल और जनता हॉस्पिटल का यहाँ पर निरीक्षण किया गया था। कि तो जो 2 हॉस्पिटल हैं, सेवा हॉस्पिटल और ग्रीन सिटी हॉस्पिटल, उसमें थोड़ी सी अनियमितता पाई गई थी, तो उन दोनों को हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है। और क्योंकि जनता हॉस्पिटल में कोई पेशेंट नहीं था, और तो उनके डॉक्यूमेंट चेक किए तो सही पाए गए थे, लेकिन फिर भी उनको एहतियात के रूप में कुछ चेतावनी दी गई थी कि आगे से जो भी है वो काम अपना ठीक से रखेंगे, और अगर दोबारा जांच में कोई अनियमितता पाई जाएगी तो उसको भी सील कर दिया जाएगा।